वेलकम इन्वेस्टर्स, ऑन विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे इंट्राडे ट्रेड के सेटअप्स जो हमने प्रीवियस डे दिए हुए थे और उनके एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस को। आज का डेट है 12 नवंबर 2020 और कल के डेट में अगर आप देखेंगे यस्टरडे, यहां पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो यहां पर यस्टरडे में हमने कॉल दिया था, कोरोमंडल दिया था सेल करने के लिए और उसके बाद एरो फार्मा दिया हुआ था बाय करने के लिए 800 से लेके 791, यहाँ पर स्टॉप लॉस था 790 का, टारगेट 845 और ट्रेड कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट चार्ट देन एंट्री। तो इस वीडियो में हम ये भी चीज को डिस्कस करेंगे कि ट्रेड कंफर्मेशन हमें कब करना है बाय और सेल के लिए। अंबुजा सीमेंट का एक दिया हुआ था 256.50 पे, जिंदल स्टील का और टाटा केमिकल्स का, यहाँ पर आपको एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस भी दिए हुए थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एरो फार्मा के स्टॉक पे और जहां पे हमने उसको बाय बिलो कहा था 800 टू 791 पे। अभी जो स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं वो एरो फार्मा का 5 मिनट का चार्ट है और जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पर इसको बाय कब करना है आपको 800 791। तो यहाँ पर देखिए जो स्टॉक का प्राइस है वो 800 से डाउन हुआ क्या, यहाँ पर ये देखिए 802 तक ही ये स्टॉक का प्राइस आया, तो इसलिए हम इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्की ट्रेडर्स हैं और इंस्टेंटली आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एंट्री लेते वक्त अगर बाय साइड में एंट्री लेना है तो किस चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर 800 से लेके 790 तक का एक 30 मिनट का डिमांड जोन है और यहाँ पर देखिए प्राइस लगभग डिमांड जोन के अंदर नहीं आया लेकिन डिमांड जोन के पास में आया और नीचे अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। प्रीवियस जो भी आपको 5 मिनट के कैंडल्स में जितने भी वॉल्यूम्स दिख रहे हैं उनसे ज्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अभी कुछ देर तक एक हाई प्राइस पे ट्रेड करेगा। तो हमें नेक्स्ट कैंडल पे हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं 826 से लेके 829 तक। तो इस तरीके से ट्रेड कंफर्मेशन हमें करना होता है 5 मिनट के चार्ट पे और तभी उस स्टॉक में एंट्री लेनी होती है। और यहां पर देखिए यहां पर एंट्री लिया 826 से लेकर तो आपने 830 तक, तो इसने एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया है 856 पे, तो यहां मिनिमम और इंस्टेंटली ही आपको जो है 20 रुपीस का प्रॉफिट इंट्राडे ट्रेड में होता है। अब चलते हैं हम हमारे सेकेंड कॉल पे जहां पर हमने दिया था टुमारो कोरोमंडल फॉर सेल। तो कोरोमंडल के चार्ट पे चलेंगे और आप देख रहे हैं यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, ये जो 915 का फर्स्ट कैंडल फॉर्मेशन हुआ और उसका अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो लगभग प्रीवियस जो एवरेज वॉल्यूम से उससे कम था और स्टॉक यहां पर जो एक सप्लाई जोन है उस सप्लाई जोन में स्टॉक ने एंटर किया और एंटर करने के बाद हम देख पा रहे 728। अब हमें इस ट्रेड को कंफर्मेशन कैसे करना है, सेकंड जो वॉल्यूम्स का कैंडल बना उसमें यहां पर एक अच्छे खासे प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम्स ट्रेड हुए तो हमें वेट करना है और उसके बाद जब यहां पर देखिए प्राइस डाउन आ रही है इस सेकेंड कैंडल से तब हमें यहां पर इस प्राइस पे 722 को इसको शॉर्ट करना है। तो अगर हमने इसको इंस्टेंटली 722 को शॉर्ट किया होता 725 के स्टॉप लॉस के साथ में तो यहां पर जो है लगभग हमें एक जो है 7010 का यानी 10 रुपीस का इंस्टेंट ही प्रॉफिट हम यहां पर भी इंट्राडे में ले सकते थे क्योंकि आपको फर्स्ट डे हम इन्फॉर्म करते हैं कि किस तरीके से ट्रेड सेटअप लेना है। अब यहां पर बाय के लिए देखिए यहां पर बाय अपॉर्चुनिटी किस तरीके से है, हम यहां पर शॉर्ट ट्रेड में क्यों नहीं रहेंगे। यहां पर फर्स्ट जो यहां पर एक रेड कैंडल बना है उसके बाद का अगर हम कैंडल देखेंगे और उसका वॉल्यूम्स देखेंगे, चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूं, यहां पर देखिए ये फर्स्ट कैंडल बना बेरिश कैंडल उसका वॉल्यूम्स और उसके बाद का जो 5 मिनट का सेकेंड कैंडल बना, कैंडल का साइज कम है लेकिन अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो प्रीवियस वॉल्यूम से लगभग 90% वॉल्यूम्स यहां पर ट्रेड हुए हैं बाय के लिए। तो हमें इंस्टेंट ही क्या करना है, सेकंड इस कैंडल पे 709 से लेकर
तो 7012 तक हमें एंट्री लेना है और वेट करना है कि स्टॉक किस डायरेक्शन में जाता है। तो यहां पर देखिए, अगर आपने 710 यानी 710 पे भी एंट्री लिया तो आपको इंस्टेंट ही 722 पे आप, या 720 पे भी आप इसको शॉर्ट कर सॉरी एग्जिट कर सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे भी हमें 10 रुपीज का जो है वो इंट्राडे में प्रॉफिट होते हुए दिखता है। अब चलते हैं हमारे तीसरे, अंबुजा सीमेंट बाय के लिए दिया था 256.50 से, तो 255.50 और स्टॉप लॉस था 254 का, टारगेट दिया हुआ है 265 का। अंबुजा सीमेंट अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये अंबुजा सीमेंट का 5 मिनट का चार्ट है और आपको ये जो ग्रीन कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है ये 30 मिनट का डिमांड जोन है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 254.50 यहाँ पे 5 मिनट का डिमांड जोन है जो कि 254 पे ये एंड हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, स्टॉक ने फर्स्ट एक बेरिश कैंडल बनाया और उसके बाद हम देख पा रहे हैं एक मीडियम एवरेज वॉल्यूम्स के साथ में बेरिश कैंडल बना और उसके साथ में फिर से एक बुलिश कैंडल यहाँ पे हैमर जैसे बना। लेकिन अगर हम नेक्स्ट कैंडल पे क्या करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो प्रीवियस कैंडल जो रेट बना हुआ है उसके वॉल्यूम्स और ये जो एक हैमर जैसा कैंडल बना उसके वॉल्यूम्स, ये यहाँ पर ये इंडिकेट नहीं करते हैं कि ट्रेंड यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। इसीलिए हमें ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट से या फॉल्स इंडिकेशन से, जिस तरीके से हैमर के कैंडल पे हमें एंट्री लेना चाहिए बाय साइड के लिए, तो ये जो एक फॉल्स एंट्री था, तो ऐसे एंट्री से हमें इंट्राडे ट्रेड करते वक्त बचना चाहिए। और इसीलिए हमें डिमांड और सप्लाई, एग्जिट और एंट्री, ये पॉइंट हमें पता होना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो हो सकता है कि यहाँ पर स्टॉक एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाए 5 मिनट के चार्ट पर, यहाँ से ऊपर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप देखेंगे, ये जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स था वो कांस्टेंट था, यानी इसका मतलब ये है कि बायर्स इस स्टॉक को इस प्राइस के, इस लेवल से इस प्राइस को ऊपर ले जाने में कामयाब नहीं हो रहे, या फिर वो नहीं, उसको उतने अग्रेसिव नहीं है कि स्टॉक को उस ऊपरी लेवल पे वो ट्रेड करे। इसलिए हमने इस डिमांड जोन को दिया था कि डिमांड जोन में अगर प्राइस आता है तो इस प्राइस पे ही हम उसे बाय करेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अभी 10:33 AM हुआ है और स्टॉक अभी भी डिमांड जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए ये ट्रेड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेटअप की तरफ। यहाँ पर जिंदल स्टील को हमने बाय के लिए दिया था 217.20 और SL दिया था 216 का, या फिर हम इसको बाय कर सकते हैं 215 और SL उस कंडीशन में रहेगा 213 का और टारगेट था 225 का। जिंदल स्टील अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये जिंदल स्टील का 5 मिनट का चार्ट है और जैसे कि हम देख पा रहे हैं आज के इंट्राडे में क्या हुआ, स्टॉक ने एक 915 पे एक अच्छा खासा कैंडल बनाया जो कि कैंडल एक ग्रीन कैंडल था और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में भी वो दिखा। सेकेंड कैंडल में वॉल्यूम हमें कम दिखे लेकिन स्टॉक का प्राइस नीचे आया और थर्ड कैंडल में भी सेम वही सिनेरियो देखने को मिला। इसीलिए हम इस स्टॉक में एंट्री ले सकते थे, जैसे कि हमें पता था कि यहाँ पर एक सपोर्ट प्राइस है और सपोर्ट प्राइस से ये अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ पर एक अनडिसीजन का कैंडल फॉर्मेशन हुआ 5 मिनट के चार्ट पे और जैसे कि हम कंफर्मेशन पे सेकेंड कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा ट्रेड हुआ लेकिन जो सेकेंड कैंडल पे हमने एंट्री ली 218.30 पे, जैसे कि हमने बताया था कि 217 पे आप ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर कंफर्मेशन 5 मिनट के चार्ट पे अगर हमने यहाँ पर एंट्री ली तो उसके बाद ये जो वॉल्यूम्स है इनमें हमें एक इंक्रीज प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा नहीं दिखा। इसका मतलब ये होता है कि बायर जो है वो अभी भी इस स्टॉक को इस प्राइस से ऊपर जाने लेने, ऊपर ले जाने के लिए या फिर अच्छी एक रैली हमें इस स्टॉक में अभी फिलहाल नहीं दिख सकती, क्योंकि यहाँ पर बायर्स उतने अग्रेसिव नहीं है स्टॉक को खरीदने के लिए। और उसके बाद का देखिए जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ उसमें प्रीवियस जो कैंडल है उससे तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स ट्रेड हुए, तो हमें क्या करना था, हमें करना था कि जैसे हमने यहाँ पे 218 पे खरीदा वैसे हमें 219.50 का एक स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में रहना था। और आप देख पा रहे हैं उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ जो कि एक अच्छा खासा हमें सप्लाई दिखा रहा है और उसके चलते स्टॉक का प्राइस यहाँ पर नीचे आया और अभी हुआ है 10:36 AM। हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक अभी भी
एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेटअप की तरफ। स्ट्रॉन्गली बाय था टाटा केमिकल्स को 318 से लेके 317 तक और 316 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना था और टारगेट था 325। तो यहाँ पर देखिए टाटा केमिकल्स का जो आज का इंट्राडे चार्ट है ये 5 मिनट का, अगर ये हम यहाँ देखेंगे तो 318 पे हमें बाय करना था, 318 या 17 पे जब भी स्टॉक का प्राइस आता है तब। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये अभी 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर एक डिमांड जोन था जो 317 पे था और हमने दिया था 318। तो आप देख पा रहे हैं स्टॉक का जो प्राइस है, अगर आज का हम इसका लो प्राइस चेक करेंगे तो ये अभी तक अभी 10:39 हो चुका है और अभी तक ये स्टॉक ने जो लो प्राइस है वो 318.30 पे ही आया, 318 पे नहीं आया। तो इसलिए ये जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर समझिए हम इसको अग्रेसिवली 318.30 या 50 पे इस कैंडल पे बाय भी कर लेते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम्स ज्यादा होना चाहिए, जबकि हम यहाँ पर बीट लिटिल वॉल्यूम्स जो है 5 मिनट के वो ज्यादा तो है, लेकिन उसके बाद जो ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ उसमें हमें वॉल्यूम्स में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है। तो अभी भी जो बायर से वो उतने अग्रेसिव नहीं है इस स्टॉक को भी एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस देने के लिए। और जैसे हम देख पा रहे थे टारगेट था 325 का, तो ये जो स्टॉक है 322.70 के आसपास ही आके इसने दम तोड़ दिया और ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हमें इंट्राडे में स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और फास्ट एक्शन लेना होता है, करेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भी यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो हमें किसी भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड में जब हम एंट्री लेने की बात करते हैं तो वहां पे लोअर टाइम फ्रेम पे जो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है, तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन कर लेना चाहिए। जैसे कि ये हैमर वाला जो कैंडल बना इसके बाद हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जिस प्राइस लेवल पे जाना चाहिए या जिस तरीके से बुलिशनेस होना चाहिए वो हमें इस कैंडल के बाद देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये था इंट्राडे एंट्री और एग्जिट फॉर द बिगिनर्स के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।